हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन। सो आई होप कि सर अच्छे होंगे। सर आज के वीडियो में वापस से हम लोग वाला इवेंट देखने वाले हैं जिसका नाम है वाव फैटल कंटेमिनेशन। और ये इवेंट में कुछ कुछ चीज़ में मिस कर दिया था वो वाला प्रीवियस वाला वीडियो में, उसको मैं आज ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसके मदद से आप जल्दी जल्दी इसमें जो रिडीम पॉइंट है उसको कलेक्ट कर सकते हो, और वो आपको बाद में हेल्प करेगा UMP का परमानेंट स्किन को रिडीम करने के लिए, नहीं तो जो आउटफिट है उसको भी आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो का एंड तक देखना। उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा गोल्डन चिकन से रिलेटेड। उसके साथ साथ न्यू एनिमेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ AS मास्टर, एज डोमिनेटर एंड कॉन्करर का। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो का एंड तक देखना। तो इधर हम लोग वाव फैटल कंटेमिनेशन में क्लिक करेंगे और इसका पहला पार्ट वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैं ऑलमोस्ट सबको समझा दिया था, बट जो जो चीज़ मैं मिस कर दिया था वो वीडियो में वो मैं आज आपको ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आज है संडे, और संडे को आपको पता होगा ये इवेंट बोला गया था कि एक मर्चेंट आएगा जो कि आपको हेल्प करेगा थोड़ा बहुत सैंपल कलेक्ट करके देने के लिए। ठीक है, तो आज है संडे और इधर आप देख पा रहे कार्लो हम लोग का मर्चेंट है और इससे हम लोग कुछ सैंपल खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सीक्रेट स्टार्च में क्लिक करते हैं और उसके पहले एक देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ, डू यू हैव एनी सिल्वर, आई नीड सम राइट नाउ एंड आई एम विलिंग टू ट्रेड दिस सैंपल फॉर यू। तो ये आपसे थोड़ा बहुत सिल्वर मांगेगा, उसके जगह ये आपको कुछ सैंपल देगा। ठीक है, कार्लो हमेशा वेडनेसडे संडे को आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हम लोग 3 सिल्वर लेगा, जिसको हम लोग ओके कर लेते हैं। ये हम लोग को 2 फॉल्टी चिप दिया, जिसको हम लोग ओके कर देते हैं। और अभी आप देख पा रहे 29 मिनट बाद वापस से हम इससे कुछ सैंपल ले सकते हैं। तो ऐसे करके ये मर्चेंट हेल्प करेगा, पूरा दिन शायद रहेगा इसमें, तो कुछ बोल सकते हैं टाइम लिमिट नहीं है, एक दिन का पूरा रहेगा, मतलब संडे का पूरा दिन रहेगा, फिर मंडे चल जाएगा, ट्यूसडे चल जाएगा, वेडनेसडे वापस आएगा, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इससे भी सैंपल ले सकते हो। तो आपको 3-4 जगह से आप सैंपल ले सकते हो जिसका यूज़ करके जल्दी जल्दी आप ये रिडीम वाउचर या रिडीम कॉइन अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो सेकंड कन्फ्यूजन है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई ये जो इवेंट है 17 सितंबर का स्टार्ट हुआ, 14 अक्टूबर खत्म हो गया, इतना दिन में कॉइन कलेक्ट होगा कि नहीं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये इवेंट ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। चलो मैं आपको इसमें क्वेश्चन मार्क क्लिक करूंगा, इसमें आप देख पा रहे पहला जो पार्ट आप देख पा रहे हो या पहला फेज आप देख पा रहे हो जो कि 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 14 अक्टूबर खत्म हो जाएगा। जैसे ये 14 अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा, मतलब एक और तरह न्यू तरह का इवेंट आ जाएगा, नहीं तो इसी में थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो जाएगा आइटम। ठीक है, उसका सेकेंड जो स्टेज है वो 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 14 ऑफ नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 2 महीने का इवेंट है और उसी टाइम इंटरवल में आपको जितना हो सके सैंपल कलेक्ट करके रिडीम पॉइंट अर्न करना है। ठीक है, अब देखो इसका जो रिडीमशन टाइम है ना वो 2 महीने का ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इधर आप देखो 17 ऑफ सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलने वाला है, बट जो इवेंट है उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। तो आप देख लेना कि ये जो सैंपल आपको मिल रहा ना ये केवल 14 अक्टूबर तक ही यूज़ होगा। जैसे 14 अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो ये सब सैंपल इसका डिसमेंटल हो जाएगा और आपको शायद DP कॉइन मिल जाएगा। तो जितना हो सके 14 अक्टूबर तक ये सैंपल सब कलेक्ट करो, उसके बाद मे भी नया सैंपल आ जाएगा, ये 3 सैंपल काम नहीं करेगा, नया सैंपल आ जाएगा तो नया किस्म का आपका इवेंट देखने को मिलेगा। बट जो कॉइन रहेगा, ये जो कॉइन आप देख पा रहे हो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिडीमशन स्टोर आप देख पा रहे हो ये 2 महीने का चलने वाला है। तो कॉइन आप कलेक्ट करते जाओ, रिडीम अभी मत करो, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे पहला वाला आउटफिट ये 25 दिन बाद अनलॉक होने वाला है, और ये जो UMP का स्किन देख पा रहे हो ये 39 डेज के बाद ही अनलॉक होने वाला। तो अगर आप कॉइन जमा कर रहे हो तो दिक्कत वाला बात नहीं है, आपका कॉइन 14th ऑफ नवंबर को खत्म होगा 2 महीना बाद, बट जो इवेंट ये सैंपल है ये खत्म हो जाएगा 14th अक्टूबर का। दोनों में अंतर समझ में आ गया। उसके बाद आप इधर से भी ले सकते हो, तो टोटल आप इसमें 200 सिल्वर खर्चा करके 40 कॉइन निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैक्स आउट है तो ये लेना, 200 खर्चा करके 40 कॉइन का आपको बूस्टअप मिल जाएगा, सॉरी 400 कॉइन, क्योंकि उसमें 10 था मल्टीपल है, 400 कॉइन कम नहीं होता। तो डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करना, ओके करना, और नहीं खरीद सकते शायद, हाँ और नहीं खरीद सकते, एक ही बार आप खरीद पाओगे। और मे भी जो सेकेंड स्टेज आएगा या इवेंट का उस टाइम और भी आप इसको ले सकते हो पॉइंट को। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में, ये डेली मिशन मत भूलना, इसको कलेक्ट करते जाना। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये अगर आप सही से करोगे तो बहुत अच्छा खासा पॉइंट आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना ये उस दिन मैं सही से समझा नहीं पाया था, क्योंकि एक्चुअल में इसको मैं थोड़ा सा और रिसर्च किया तो फिर पता चला कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिससे आप आपका फ्रेंड का भी हेल्प कर पाओगे और अपना भी हेल्प कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें देखो 3 तरह का आइटम आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले फॉल्टी चिप, वाइन
और यारिलो स्पेसिमेन। ठीक है, अब देखो मेरा स्क्रीन में जो आप इसका कैटेगरी देख पा रहे हो, जैसे फॉल्टी चिप का कॉमन है, ठीक है, वाइन का वैल्यूएबल है, यारिलो स्पेसिमेन का रेयर है, तो आपका भी स्क्रीन में भी सेम हो सकता है तो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप दिखा, मैं आपको दूसरा अकाउंट का दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे उस दिन पता नहीं था इसलिए मैं ये उस दिन कवर नहीं कर पाया। बाद में मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद पता चला कि भाई ये थोड़ा बहुत अलग किस्म के काम करेगा। कि दूसरा अकाउंट का आप देख पा रहे, फॉल्टी चिप उसका कॉमन है, ठीक है, उसका बाद वाइन जो है वो रेयर कैटेगरी में, मेरा जैसे वैल्यूबल में उसका रेयर में है, और जो यारिलो स्पेसमेंट है वो आ गया उसका वैल्यूबल कैटेगरी में। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है, दोनों में अलग अलग है। उसके बाद एक और अकाउंट में आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। ये तीसरा अकाउंट में देख पा रहे, फॉल्टी चिप इसका वैल्यूबल में है, वाइन है रेयर कैटेगरी में, और यारिलो है कॉमन कैटेगरी में। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि सबका अकाउंट का अलग अलग इसमें कैटेगरी डाला गया है, और इसका यह बहुत अच्छा फायदा निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें सिंपली करना ये है कि आपको ऐसा फ्रेंड खोजना होगा जिसमें आपका जो कॉमन कैटेगरी में सामान है उसका वैल्यूएबल में चल जाए, ठीक है, और आपका जो वैल्यूएबल कैटेगरी का जो सामान है उसका कॉमन कैटेगरी में आ जाए, जिससे ये फायदा होगा कि अगर आप इसको फॉल्टी चिप देते हो, देखो मान लो ये जो फॉल्टी चिप आप देख पा रहे हो मेरा कॉमन कैटेगरी में, और ये उतना फायदा मेरे को नहीं दे रहा, बट ये अकाउंट में आप देख पा रहे हो फॉल्टी चिप है वैल्यूएबल कैटेगरी में, अगर मैं ये फॉल्टी चिप उसको दे देता हूँ ट्रेड करके, कैसे ट्रेड करना है देखो, ऐसे ट्रेड करना है सिंपली, मान लो किसी को भी पकड़ लो, ऐसे ट्रेड हम लोग क्लिक करेंगे, और ये जो फॉल्टी चिप आप देख पा रहे हो इसको हम लोग मैक्स आउट कर लेंगे, ठीक है, और उसका जगह मेरा जो वैल्यूबल, मेरा वैल्यूबल क्या था वाइन, ठीक है, तो इसका जगह हम लोग वाइन ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको भी हम लोग मैक्स आउट कर लेंगे इसको, ठीक है, और इसको हम ओके कर देंगे, जिससे ये फायदा होगा उसको फॉल्टी चिप का जरूरत था, मुझे वाइन का जरूरत था, फॉल्टी चिप ये एना को बेचेगी तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं फॉल्टी चिप बेचूंगा अपने अकाउंट से तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा जो आइटम है वो कॉमन कैटेगरी में आता है। उसी जगह मैं एना को वाइन बेचता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वाइन मेरा वैल्यूएबल कैटेगरी में आता है। तो सिंपल से मैं समझाता हूँ कि आपको करना ये है कि आपका जो कॉमन एंड रेयर कैटेगरी में जो सामान है, जैसे मेरा फॉल्टी चिप एंड यारिलो स्पेसिमेंट है, इसको मैं अपना फ्रेंड को दे दूंगा और उसका जगह मैं वाइन लूंगा क्योंकि वाइन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और ऐसा फ्रेंड को ढूंढो जिसका वाइन कॉमन कैटेगरी में, उसको दो पॉइंट मिल रहा है तो वो आपको इजीली दे देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और मेरा जो फॉल्टी चिप आप देख पा रहे हो वो कॉमन कैटेगरी में है, तो मैं इसको किसी को भी दे दूंगा तो उसका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा होगा कि फॉल्टी चिप में उतना सामान नहीं मिल रहा, मतलब उतना वैल्यू नहीं मिल रहा मेरे को। अभी देखो मैं फॉर एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ, देखो वाइन मेरा 5-5 है क्योंकि वाइन का कैटेगरी वैल्यूएबल है, और वाइन को अगर मैं बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू फॉल्टी चिप, ठीक है। तो अभी हम लोग सेल में क्लिक करेंगे और केवल मैं वाइन बेचूंगा क्योंकि वाइन में ज़्यादा बेनिफिट है, बाकी दो चीज़ें ना वो मुझे बेचना नहीं है, वो मुझे ट्रेड करना है क्योंकि वो अगर मैं दूसरा को दूंगा उसके जगह मैं वाइन लूंगा और वापस से मुझे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, सॉरी इधर से बेचूंगा सेल करके, और केवल वाइन ही बेचूंगा, बाकी दो नहीं बेचने वाला, और सेल कर दूंगा, ठीक है, देखो मुझे 60 पॉइंट मिल गया। तो ये है सबसे इकोनॉमिक वे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, और ऐसे करके आपको करना, आपको केवल एक ही आइटम सेल करना जो कि है वैल्यूएबल, और बाकी दो आइटम का आपको ट्रेड करना, दूसरा को देना है, ठीक है। और आपका मेन जो ध्यान रहना चाहिए कि केवल मेरे को एनी हाउ वाइन मिलते जाए, चाहे वो मैच से हो चाहे वो मैं ट्रेड करके लूँ। ट्रेड करके लेने से ये फ़ायदा है, इतना फ्रेंड आप उससे ट्रेड कर सकते हो, आप किसी को भी फॉल्टी चिप दे दो जिसको ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि भाई उसको फॉल्टी चिप का ज़रूरत ही नहीं है, उसको बेचोगे तो आपका जो आइटम है ऐसे फंसे रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, ये अभी तक ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि उसको नहीं चाहिए वो चीज़, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके आपको ऐसा बंदे को खोजना होगा, आपका फ्रेंड में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसका वैल्यूएबल जो होगा वो फॉल्टी चिप होगा। मेरा वैल्यूएबल फॉल्टी चिप नहीं है तो मुझे फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, तो उसको दे दूंगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, 12 मिलेगा उसको पॉइंट, उसका जगह मैं डेफिनेटली वाइन ले लूँगा। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका कौन सा सामान वैल्यूएबल में है और उसी चीज़ को आपको मंगवाना है, और जो चीज़ आपका कॉमन है रेयर कैटेगरी में वो ट्रेड कर दो, दूसरा को दे दो, जिससे उन लोग का हेल्प हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि जो आरपी गोल्डन चिकन 7 दिन 23 घंटे बाद खत्म होने वाला, जैसे ही खत्म होगा तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा, आपको गो में क्लिक करना होगा, जैसे आप गो में क्लिक करोगे तो ऐसा किस्म का होगा लकी ड्रॉ, और रैंडमली कोई भी नंबर निकलने वाला है और 3 लकी विनर आपको उन लोगों का टिकट दिख जाएगा, ठीक है, और आप जीत नहीं पाओगे तो नेक्स्ट वाला जो मंथ में फिर से आएगा गोल्डन चिकन उस पर फिर से आप ट्राई कर सकते हो, तो इसमें लक वाला फैक्टर है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, उसका नया वाला एनिमेशन देख लो, अगर आप एस पहुँचोगे, एस डोमिनेटर, एस मास्टर कॉन्करर, तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो आएगा ये सबको कम्प्लीटली समझ में आ गया, मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया वाओ फेडरल कंटेमिनेशन
और इसमें और अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कुछ कुछ बंदे मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिमेन मिलेगा, तो इरेंगल ही आपको खेलना होगा, दूसरा मैप में आपको नहीं मिलेगा। इरेंगल में रिजुनेशन जो पॉइंट है उस उधर जाना, वो ग्रीन वाला एरिया जाना जहाँ आपका हीलअप होता है, उधर आपको बहुत ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है, और बाकी जगह रैंडमली रहता है, कभी भी कहीं भी मिल सकता है। बट अगर आप वो लोकेशन में जाओगे तो आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है, और ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है एग्जैक्टली हमेशा आप उधर जाओगे तो मिलेगा, बट चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप वो वाला पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, तो गाइज इतना ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।